हम आपको बता दें, एग्जिट पोल अब आने शुरू हो चुके हैं। एग्जिट पोल का सबसे पहला आंकड़ा इस वक्त आपको हम बताने वाले हैं। केरल से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है, केरल में एनडीए को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एग्जिट पोल का सबसे पहला आंकड़ा आना शुरू हो चुका है। एबीपीसी वोटर सर्वे के आधार पर अगर ये कहा जाए तो केरल, जिसको लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, कांग्रेस पार्टी का दबदबा यहां पर माना जाता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह कहा जा रहा है कि खाता ही नहीं खुलेगा, बल्कि 1 से 3 सीटों के आसपास इस बार एनडीए आ सकती है। एबीपीसी वोटर सर्वे का यह अनुमान है कि केरल में इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 1 से 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यानी जहां पर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से इस बार फिर से उम्मीद बांधे हुए वहां पर है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरीके से अब सेंधमारी करती दिखाई दे रही है। अगर एबीपीसी वोटर सर्वे की माने तो 1 से 3 सीटें केरला, जो लेफ्ट का और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां पर दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का यह वाकई में एबीपीसी वोटर सर्वे के आधार पर कहा जाए तो बड़ी सफलता के तौर पर 1 से 3 सीटों का आना या फिर 103 सीटें आ सकती हैं। ये केरल जैसे राज्य में बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। रंजना, बिल्कुल आप सोनी जी आप ही से जानना चाहेंगे, जिसकी हम बात कर रहे थे, मोदी की मेहनत कहें या मोदी का मैजिक कहें, दक्षिण में जो ताकत आप लोगों ने झोंकी और खासतौर पर केरल जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, ऐसे में वहां पर जो अनुमान सामने आने लगे हैं 1 से 3 सीटें, इसको कैसे देख रहे हैं? हमारा पक्का विश्वास है न केवल 3 सीटें बल्कि पूरे केरल में हमारा वोट शेयर बढ़ने वाला है, न केवल केरल बल्कि तमिलनाडु में। आप यही आप चमत्कार जनता के तरफ से आप तमिलनाडु में भी देखेंगे। तमिलनाडु में भी ताकत के साथ उभर रहे हैं। हमारा वोट शेयर तमिलनाडु में, केरल में बढ़ेगा, आंध्रा में आप देखेंगे कि वहां पे भी मिरेकल होने वाला है। ये केरला का जरा विश्लेषण बताइए, उसे तमिलनाडु पे बारी बारी आएगी हर राज्य में। केरला को लेकर ये कहा जा रहा था कि केरल में आपकी पार्टी वहां पर अगर बहुत कुछ होगा तो वोट परसेंट बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले बार भी इंक्रीज हुआ था लेकिन सीटें नंबर में नहीं बदल पाएंगी। इस बार 1 से 3 का अगर अनुमान है तो क्या ऐसी आप लोगों ने स्ट्रेटजी अपनाई थी? वायनाड वहां पर राहुल गांधी ने पूरा एक तरह से कहा जाए कि कैंपेन किया था, चुनाव लड़ा था, लेफ्ट में भी वो गढ़ी माना जाता है, उनकी सीटें हर बार निकलती है, सरकार वहां पर है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या थी वहां पर? ये हमारा सबसे देखिए इम्पैक्ट जो है नीतियों का होता है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हमारी आम जनता बुद्धिजीवियों पत्रकारों से आगे आम जनता की बढ़ी है। ये बात हमें सबको समझ लेना चाहिए कि हम केवल बुद्धि का ठेका हमारा नहीं है। आम जनता 75 साल से वोट डाल रही है और जो जिस तरह से आम सरोकारों पे जो निर्णय हुए हैं, रेल, सड़क, आपके बिजली की आपूर्ति, आपकी जो उनके सरोकार है, गैस की आपूर्ति, उनके बाकी के सारे जो जन सरोकार है उन पे लोगों को स्पर्श किया है भारत सरकार। और ये कैरेक्टर जिसका अपना मैंने बार बार कहा है कि कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, जो पूरी तरह से तिरोहित हो गया है समाज और राष्ट्र के लिए, इसलिए कोई मीट आउट नहीं कर पाएगा। ऐसा कैरेक्टर खड़ा करेंगे तो मीट आउट कर पाएंगे। ठीक है जोशी जी, आप तो उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि हम 70 सीटें जीतेंगे, जो कि यहाँ तो दबदबा भारतीय जनता पार्टी का सभी को पता ही और किसी से छिपा नहीं है, तो आपके सहयोगियों के गढ़ में अनुमान के तहत तो सेंधमारी होती हुई दिख रही है। देखिए जैसा कि आपको पता है एग्जिट पोल, और हम बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं, इस प्रकार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ इस देश के लोगों ने चुनाव लड़ने का काम करा है। जब 4 तारीख को हम बैठेंगे तो हम आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त हो जाएगा। ये बात मैं आपको जिम्मेदारी से कहूंगा और मुझे जरूर इन्वाइट करिए। एग्जिट पोल्स हैं क्या? अगर आप कह रहे 4 तारीख को बैठेंगे, क्या इसको डिनाई कर रहे हैं आप? और केरल तो वो राज्य है जहाँ कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार लेकर आई थी। अगर वहां पर मैं उसी विषय पे कह रहा हूँ आपको, ये एग्जिट पोल है, जब एग्जिट पोल आएगा तो आप देखिएगा वहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। इसीलिए अनुमान जो है सर वो 1 से 3 का लगाया जा रहा है, कोई एक आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये अनुमान है सिर्फ, ये एग्जिट पोल नहीं। बहरहाल ये जो चुनाव है कांग्रेस के लिए वजूद का चुनाव भी, इसीलिए हम कह रहे हैं, और खासतौर पर इसलिए क्योंकि केरल जैसे राज्य में अगर अनुमान ऐसा आता है तो इस बात पर मुहर लग जाती है कि ये वजूद का
चुनाव है। नहीं, एक चीज और है इसमें रंजना, समझिए कि दक्षिण भारत पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस, प्रधानमंत्री का जितना वहां पर कैंपेनिंग की गई, ये साफ तौर पर दिखाता है कि तमिलनाडु और केरल में अगर खाता खुलता है, तीन सीटें छोड़िए, अगर एक सीट भी अगर वहां से आती है, तो ये बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में दक्षिण की राजनीति में बहुत मजबूत पैठ के तौर पर शुरुआत कही जाएगी। और इसी का जिक्र भी मैं कर रही थी सोनी जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर चाहे वो नीतियों की बात हो, उनकी रैलियों की बात हो, रोड शो की बात हो, या फिर दक्षिण को उत्तर से हमेशा कनेक्ट करके रखने का एक उनका अपना तरीका हो, वो राम मंदिर में भी आपने जो देखा, अलग अलग स्तरों पर आपने देखा, और कहीं ना कहीं अगर वो सीटों में तब्दील होता है तो वो जो स्ट्रैटेजी है जिस पर काम किया गया वो बहुत ज्यादा सही होती हुई साबित होगी। अच्छा, एक सवाल लेते हैं कैलाश जी से, क्योंकि पहला ये आंकड़ा अब तक आया है एग्जिट पोल्स के, और वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संकेत के तौर है कि दक्षिण भारत में केरल जैसे राज्य में खाता ही नहीं खुलना बल्कि 1-3 सीटों के आसपास पहुंचने की स्थिति होती दिखाई दे रही है। कैलाश जी, कैसे लेते हैं इसको आप? अब ये आप लोग मानकर चल रहे हैं कि वाकई में 400 के पास पहुंच जाएंगे? कैलाश जी, ठीक है, अब केरला के बाद अब आपको बताते हैं तमिलनाडु का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। रंजना, एनडीए का यहां पर खाता खुल सकता है जैसा कि जिक्र हम कर रहे थे। देखिए, तमिलनाडु में एनडीए को 203 सीटें मिल सकती हैं, 2-3 सीटें की एक बड़ा आंकड़ा है। तमिलनाडु में इंडिया को 34-35 सीटें इंडिया गठबंधन को यहां पर मिल सकती है, लेकिन एनडीए के लिए ये भी एक बहुत अच्छी खबर होगी कि खाता खुल सकता है। और जिस दक्षिण में ताकत झोंकने का, मेहनत करने का जिक्र बार बार हो रहा था और उसी को लेकर यहां पर अब अनुमान सामने आ रहा है। जोशी जी, एक और अनुमान तमिलनाडु से, इसे भी बहरहाल आप नकार देंगे, लेकिन तमिलनाडु में भी खाता खुल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके गठबंधन को सीटें जो है वो मिल रही है ज्यादा, लेकिन 2-3 सीटें भी यहां से तमिलनाडु में ले जाना वाकई में एनडीए के लिए एक अच्छी खबर होगी। देखिए, ये आप भी मान रही है पूर्वानुमान है, देश भी समझ रहा है पूर्वानुमान है। जिस प्रकार मैंने कहा इस देश का युवा छला गया, जिस प्रकार इस देश की महिलाओं को छलने का काम करा और जिस प्रकार किसानों को छलने का काम करा, मैं उस जिम्मेदारी के आधार पे आपसे कह सकता हूँ कि ये सब आंकड़े ध्वस्त हो जाएंगे और इंडिया की सरकार 295 प्लस रहेगी। इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति है और आप जिम्मेदार पत्रकार है, जिम्मेदार चैनल है आपका। आप मुझे बुलाइएगा उस दिन, 295 प्लस स्कोर होता है नहीं होता ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। सीटें कहां बढ़ रही है जरा ये काउंट करवा दीजिए सर आप, सीटें कहां का इंडिया गठबंधन की बढ़ रही है? यूपी में कितनी है, बिहार में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है, दक्षिण भारत में कितनी सीटें आप लोग लेकर आ रहे हैं? अगर 295 का आंकड़ा जनता का सर्वे जैसा दावा है, देखिए, अगर 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 ये चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेले लड़ती तब आंकड़ा देना संभव होता। ये चुनाव हमारे नेता ने सबसे पहले कहा, अखिलेश यादव जी ने, ये चुनाव जो है भारत की जनता ने लड़ा है भाजपा। वो युवा, वो महिलाएं, वो किसान आपको जवाब देंगे जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे। मैं तो आपके चैनल से लगातार जुड़ा रहता हूँ, मेरा सौभाग्य रहता है, और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपका गंभीर चैनल है, मैं तो जिम्मेदारी ले रहा हूँ। जब ये आंकड़ा 295 प्लस आपको मिलेगा, मैं ये जिम्मेदारी से आपके चैनल में कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये आंकड़ा जो आप कह रहे हैं कुछ देर में बिल्कुल साफ हो जाएगा, 4 तारीख का जैसा दावा कर रहे हैं उस दिन भी आपसे ये सवाल पूछेंगे, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त एक एक करके आपको बता दें कि राज्यों के सर्वे आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए का गठबंधन है जहां पर अलायंस करके लड़ा गया, दक्षिण भारत की अगर सबसे पहले बात करें तो केरला और तमिलनाडु ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर कभी लेफ्ट का तो कभी भी एआईएडीएमके और डीएमके की सत्ता पिछले कई दशकों से यहां पर रही है, जहां पर कांग्रेस रही है, लेकिन वहां पर जो लोकल पार्टियां वो वाकई में डोमिनेट करती रही है, लीड करती रही। लेकिन इस बार ये बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए यहां से खाता खोल सकता है और केरल ही नहीं बल्कि तमिलनाडु से भी खबर है कि 1-3 सीटें यहां पर हो सकता है कि एनडीए के खाते में जाए। 39 सीट्स तमिलनाडु में, जिनमें से 32 से 35 के आसपास कहा जा रहा है कि जो इंडिया अलायंस है उसके पक्ष में जा सकता है, लेकिन एनडीए के खाते में 2-3 सीटों का सर्वे अब तक सामने आ रहा है कि यहां पर खाता खुलेगा। इसके अलावा हो सकता है कि वोट परसेंट बढ़ जाए, मार्जिन इस बार कुछ ज्यादा बेहतर दिखाई दे पिछली बार की तुलना में। केरल की भी स्थिति यही है, लेकिन केरल का ढहना एक तरह से कमजोर होना कांग्रेस और लेफ्ट के लिए यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर संकेत है, बेहतर संदेश भी है। और दक्षिण भारत की राजनीति के हिसाब से कर्नाटक के बाद ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर बीजेपी अब कहा
कहा जाए कि खाता खोलते हुए दिखाई दे रही है सर्वे के आधार पर। बिल्कुल, दक्षिण के हिसाब से अब संजय जो सबसे बड़ी चुनौती जो राज्य होते थे वहां पर पूर्वानुमान जो है वो अच्छे संकेत दे रहे हैं, तो वहीं जो राज्य बीजेपी के लिए आसान रहे उसमें बिहार की अगर हम बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, तो इन चुनावों में एक वो बड़ी चुनौती भी बने हुए हैं। वो इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके सत्ता का परिवर्तन राज्य सरकार में हमने देखा, एकनाथ शिंदे अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए, वो आक्रोश जो जनता के मन में है क्या वो डेंट देगा ये भी बड़ा सवाल, इसलिए कह रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती है। एक और सवाल इसमें कि स्टालिन आज नहीं आए थे इंडिया गठबंधन में, जब मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने जो भी अपना हवाला दिया होगा जिस बात को लेकर कि वो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन तमिलनाडु में इस बात को लेकर चर्चा है कि आने वाले वक्त में कुछ